तीसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पीएम मोदी ने लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में योग किया। योग के लिए हमेशा की तरह जनता के बीच बैठे पीएम मोदी 20 मिनट तक कई आसन किए। पीएम ने दुनिया से योग को जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। कहा योग विश्व को जोड़ने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। पीएम ने कहा योग ने विश्व को नया जॉब मार्केट बनाकर दिया है। 3 साल में योग से रोजगार तेजी से बढ़ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी योग किया। राज्यपाल राम नाईक भी मौजूद रहे। तेज बारिश की वजह से भी लोगों का उत्साह रुक नहीं पाया। लखनऊ में करीब 50,000 से ज्यादा लोग योग करते नजर आए। सीएम योगी ने योग को बताया जीवन जीने की कला। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद कहा। राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में योग किया। कनॉट प्लेस में हजारों लोगों के साथ आसन किए। अहमदाबाद के योग कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने योग किया। बाबा रामदेव ने सीएम विजय रूपानी को भी योगाभ्यास कराया। लद्दाख में 18,000 फीट की ऊंचाई पर योग। -25 डिग्री तापमान में आईटीबीपी के जवानों का योगासन। हिमालय से समुद्र तक योग की शक्ति नजर आई। आईएनएस विराट पर भी लोगों ने योग किया। यूएन हेडक्वार्टर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगासन। कई देशों के नागरिकों ने योग किया। न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन में भी हजारों लोगों ने योगासन किए। 150 देशों में भारतीय मिशन पर भी कार्यक्रम। चीन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर उत्साह। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने योग किया। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में योग कार्यक्रम का आयोजन। सीएम शिवराज सिंह ने योगासन किया। मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने योग किया। पूनम महाजन समेत कई नेताओं ने प्राणायाम समेत कई दूसरे आसन किए। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। सीएम वसुंधरा राजे भी मौजूद रहे। दिल्ली में लाल किला के सामने ब्रह्म कुमारी का योग करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। बेंगलुरु में समाज सेवी अन्ना हजारे ने भी योग किया। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार भी मौजूद रहे। बच्चों और बूढ़ों से लेकर सरहद के रखवालों ने भी देश को योग शक्ति दिखाई। लुधियाना में सेना के जवानों ने योग किया। उत्तर से दक्षिण तक योग की मुद्रा में पूरा देश। बेंगलुरु में भी हजारों लोगों ने योगाभ्यास किया। मुंबई में पुलिस वालों ने योग किया। बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा से सीखी योग की मुद्राएं। दिल्ली के रामलीला मैदान में पुलिस की योग क्लास। पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक भी मौजूद रहे। कोयंबटूर में सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने लोगों को योग के फायदे बताए। राज्यपाल विद्यासागर राव और पर्यटन मंत्री महेश शर्मा भी मौजूद रहे। अनिल कुंबले ने टीम इंडिया के हेड कोच पद से इस्तीफा देने के बाद कहा मेरे कोच बने रहने से कोहली को परेशानी थी। अनिल कुंबले ने कहा मुझे बीसीसीआई ने बताया कि कैप्टन विराट कोहली को पसंद नहीं है मेरे काम करने का तरीका। सूत्रों के मुताबिक भारत पाकिस्तान फाइनल से 2 दिन पहले तीखी बहस हुई थी कुंबले और कोहली में। बैठक में पूरी टीम मौजूद थी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में खेल पर कोई बात नहीं हुई। कोहली ने कुंबले को अपशब्द भी कहे। कहा खिलाड़ी आपको कोच के तौर पर नहीं देखना चाहते। कुंबले के बगैर वेस्टइंडीज पहुंची टीम इंडिया। बीसीसीआई ने कहा कुंबले आईसीसी की बैठक होने की वजह से नहीं जा पाए हैं टीम के साथ। पटना में भी राष्ट्रद्रोह के आरोप में एक इंजीनियरिंग छात्र गिरफ्तार। भारत पाक फाइनल के बाद देश विरोधी नारे लगाकर सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड किया था। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। हथियार बरामद हुआ। एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवा फिलहाल रोक दी गई। मारे गए दोनों ही आतंकी सोपोर के रहने वाले थे। आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शुरू किया। पंजाब के पठानकोट में बामियाल बॉर्डर की तरफ से 4 आतंकियों के घुसने की आशंका है। सूत्रों का दावा है पठानकोट और गुरदासपुर में अलर्ट जारी है। कश्मीरियों के लिए सीआरपीएफ ने शुरू की खास हेल्पलाइन। नाम दिया मददगार। 14411 नंबर पर देश विदेश से कहीं भी मदद मांग सकेंगे। एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का शिवसेना समर्थन करने वाली है। पहले मंशा को लेकर शिवसेना सवाल उठा चुकी है। राष्ट्रपति चुनाव में रामनाथ कोविंद को समर्थन देने से इनकार कर दिया है। गुलाम नबी आजाद ने बोला है कांग्रेस 22 जून की बैठक के बाद फैसला लेगी इस पर। रामनाथ कोविंद के विरोध को केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कांग्रेस की दलित विरोधी मानसिकता। कहा कोविंद का तय है राष्ट्रपति चुना जाना। एनडीए उम्मीदवार के लिए वेंकैया नायडू ने कई नेताओं से समर्थन मांगा है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, एमके स्टालिन, महबूबा मुफ्ती से भी बात की है। रामनाथ कोविंद को समर्थन देने के मुद्दे पर नीतीश ने आज जेडीयू कोर कमेटी की बैठक बुलाई। मुलायम ने कोविंद को अच्छा उम्मीदवार बताया। जस्टिस कर्णन फ्लाइट से कोलकाता, आपसे कुछ ही देर बाद लाए जाएंगे। अवमानना के आरोप में कोयंबटूर से गिरफ्तार किए गए।
लखनऊ में पीएम के सम्मान में सीएम योगी ने डिनर का आयोजन किया। सीएम योगी, कैबिनेट के अलावा दूसरे दलों के कई बड़े नेता भी इसमें शामिल हुए। दिल्ली में साकेत के सेलेक्ट सिटी मॉल की पार्किंग में रेप, लड़की ने फेसबुक फ्रेंड पर नौकरी का झांसा देकर बुलाने और नशीले कोल्ड ड्रिंक पिलाने का आरोप लगाया। दिल्ली में ओवर स्पीड पर पुलिस की नकेल, ट्रैफिक पुलिस ने बेड़े में शामिल की 11 हाईटेक इंटरसेप्टर गाड़ियां, तेज रफ्तार गाड़ियों के नंबर ट्रेस करके अब चालान काटे जाएंगे। 10वीं 12वीं क्लास के रिजल्ट के रीवैल्यूएशन में गड़बड़ी की जांच होगी, सीबीएसई ने 2 जांच कमेटी बना दी है। गाजियाबाद में हिंद नदी में डूबने से 9 साल की बच्ची की मौत हुई, बचाने के लिए पानी में कूदने वाले व्यक्ति की भी जान चली गई। मुरादाबाद में बनारस के व्यापारी के अकाउंट से 1 करोड़ की लूट हुई, लुटेरों ने खुद को बताया था एसटीएफ अधिकारी। पंजाब विधानसभा के बजट सत्र का आज 6ठा दिन है, सरकार ने पेश किए गए बजट पर अब चर्चा की जाएगी। बजट की घोषणाओं पर विपक्ष ने सवाल उठाए थे। पंजाब में बीजेपी आज से मिशन 2019 की शुरुआत करने वाली है, लोगों से जुड़ने के लिए मिशन की शुरुआत जालंधर से होगी। राजस्थान के सिरोही में एक पिता पर अपनी नाबालिग बेटी से रेप करने का आरोप, पुलिस ने गिरफ्तार किया। सोमालिया की राजधानी मोगादिशू में आत्मघाती बम धमाका हुआ, धमाके में 10 की मौत हुई, अल शबाब ने इसकी जिम्मेदारी।